जैसे देख सकते हो गाइस सर, इसके पहले पार्ट में मैं जो है इसका जो आपको कनेक्शन करके दिखाया था 20-30 IC का, और सेकेंड पार्ट आपको बोला था कि इसका जो पूरा कनेक्शन करके दिखाऊंगा, पूरा बॉडी के अंदर फिटिंग कर दूंगा एंड इसका साउंड टेस्ट चेक करने वाले हैं। तो देख सकते हो मैं जो है जो 20-30 IC का पूरा किट इसको सेट कर दिया हूँ एक बॉक्स पे, और यहाँ पे एक तो एडजस्ट का यहाँ पे फैन लगा दिया हूँ 12 होल का, ताकि हमारा जो हीट सिंक हो ठंडा रहे और हमारा IC लॉन्ग टाइम तक चले, हमारा जो होम थिएटर है। तो चलिए वीडियो बने रही एंड तक। मेरा नाम तुषार है एंड आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल तुषार पसंद टेक्निकल पे। सो चलिए गाइस यार, इसको किस तरीके से बनाते हैं और इसका साउंड टेस्ट भी आपको इसी वीडियो पे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बने रही एंड तक इसको देखते हैं। अगर वीडियो में हमारे नए हैं तो अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके से रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने मिलता है। तो चलिए ये जो 20-30 IC किट है इसका कनेक्शन उसको तो आपको बता ही दिया हूँ, और इसका साउंड टेस्ट है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे देख सकते हो गाइस यार, ये है मेरे पास एक ठो बॉक्स, ठीक है। ये जो है आपको मार्केट पर इजीली लोकल मार्केट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड चलिए यहाँ पे ये रहा हमारा जो कनेक्टर है, जिससे कि हमारा जो स्पीकर है वो कनेक्ट होगा, ठीक है। इसको हम लोग जो है यहाँ पे पीछे के साइड पे यहाँ पे काट के इसको लगा देंगे। तो चलिए जो सारा काम है उसको काटना वगैरह है वो सारा चीज़ को मैं कर लेता हूँ एंड आप दिखाता हूँ। तो जैसे देख सकते हो गाइस सर, यहाँ पे मैं जो इसको होल्ड करके यहाँ पे दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लिया हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो ये रहा हमारा सर्किट बोर्ड, और इसका कनेक्शन आपको पहले वीडियो में बता दिया था और ये ऑलरेडी बना बनाया कनेक्शन है। तो चलिए इसको फटाफट से इसके अंदर पे यहाँ पे होल करके यहाँ पे, ठीक है, डोटो एंड ट्रांसफार्मर को एंड इसको बिठा देते हैं, ठीक है। और ये जो इसका ऑडियम का और बेस का है उसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आगे के साइड पे यहाँ पे होल करके लगा देंगे। तो फटाफट से इन सबको कर लेता हूँ गाइस यार एंड आपको दिखाता हूँ। तो जैसे देख सकते हो गाइस यार, इसे मैं जो है पूरा अच्छे तरीके से कम्प्लीट कर लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो ठो पोटेंशियोमीटर है, जो कि एक ये वाला वॉल्यूम को कम करने के लिए एंड ये वाला बेस को कम या ज़्यादा करने के लिए। यहाँ पे इंडिकेटर के लिए एक ठो RGB लाइट लगा दिया हूँ एंड IC हमारा जो ज़्यादा हीट ना हो गए के यहाँ पे एक ठो फैन लगा दिया हूँ, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। और इसका जो पावर सप्लाई है गाइस यार, मैं इससे दे रहा हूँ, ठीक है। ये 12 वोल्ट का है, इसको आप अलग से लगा सकते हो। अगर इसी में लगा दूंगा ना तो वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, तो हमारा जो वॉइस आएगा जो उस पर ज़्यादा लोड लेगा ना, तो अच्छे से नहीं बजेगा। इसके लिए मैं जो है अलग से कनेक्शन इसको दे दिया हूँ, ये वाला है पावर सप्लाई। और हमारा जो यहाँ पे 20-30 IC किट को पावर देने के लिए यहाँ पे मैं जो है 12-0-12 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है ये मेरा, उसको कनेक्शन दे दिया हूँ, ठीक है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर आप लोग, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हो चुका है। और ये जो है गाइस यार ब्लूटूथ से चलता है, देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो भी लग गया है। सो चलिए इसको एक बार मेन पावर सप्लाई 220 वोल्ट लेता हूँ, ठीक है। और आप अगर इस पर कोई से भी दिक्कत आता है तो तुरंत आप इसको 1 मिनट पे ही कुछ इस तरीके से खोल सकते हो और बाद में इसको रिपेयर भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैं जो है ये वाला जो ट्रांसपेरेंट डब्बा इसको रखा हूँ, ताकि आपको अगर कुछ भी हो तो तुरंत मालूम पड़ सके, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ दिख रहा है। अब चलिए इसको मैं जो है अपना जो ब्लूटूथ है ये वाला मोबाइल जियो फोन से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ ब्लूटूथ से, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग सॉन्ग प्ले करते हैं एंड आपको दिखाता हूँ। तो जैसे देख सकते हो गाइस सर, इससे मैं जो है इसका प्लग को 220 वोल्ट से दे दिया हूँ, और यहाँ पर आप लोग जैसे इसको चालूंगा तो इसका साउंड सुनिएगा। यहाँ पर एक ठो स्पीकर कनेक्ट है, देख सकते हो यहाँ पे वॉइस आ गया, ठीक है। अब चलिए ये रहा, इस पर भी आ गए। यहाँ पे मैं सिर्फ अभी दो स्पीकर कनेक्ट किया हूँ, एक बेस के लिए ये वाला और एक ट्विटर के लिए ये वाला स्पीकर जो है अभी कनेक्ट नहीं, सिर्फ यही वाला है। तो चलिए यहाँ पे गाना को प्ले करते हैं एंड आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे आवाज़ भी आ गया है, कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग देख सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सॉन्ग अभी प्ले कर दिया हूँ, और इसका साउंड है एकदम अभी लो है, ठीक है। और देख सकते हो गाइस यार यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से अभी ये जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना जो मोबाइल का आवाज़ थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ,
अब देख सकते हो यहाँ पे अब आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो है साउंड निकाल रहा है। इसका आवाज़ को थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ और कुछ देर के लिए गाइस सर मैं जो है अभी चुप रह रहा हूँ, ठीक है। आई होप गाइस यार आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके से वीडियो देखने को मिलता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।